हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉनिकल पेंडुलम। तो इस टॉपिक में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे डिराइव करते हैं कॉनिकल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन और स्पीड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। और डेरिवेशन के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर और एक सम भी देखेंगे कि कैसे कॉनिकल पेंडुलम्स के सम सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो व्हाट इज कॉनिकल पेंडुलम? कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें एक स्ट्रिंग को एक यहाँ पे मास अटैच किया होता है, जो स्पेरिकल बॉडी रहता है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, वो रहता है कॉनिकल पेंडुलम। इसे हम कॉनिकल पेंडुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो एक एंगल कवर करता है जिसे हम कहते हैं थीटा। तो एक कोन में ये घूम रहा है, इसके लिए हम उसे कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये है एंगल थीटा, तो इसको ये अल्टरनेट एंगल होगा यहाँ पे अंदर का पार्ट थीटा। तो ये कैसे आएगा? ये ऐसा एक लाइन है, ये वाला यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है एक, और यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये इंक्लाइंड पार्ट क्या है? हमारा टी, और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो हमें फाइंड करना है कि ये कंपोनेंट क्या है और ये वाला कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट रहेगा वो हमेशा आएगा कॉस थीटा। तो ये अगर है टी, तो ये कंपोनेंट आएगा टी इंटू कॉस थीटा, और थीटा से जो दूर है वो हमेशा आएगा टी इंटू साइन थीटा, मतलब जो कोई भी एक्चुअल वैल्यू है इंटू साइन थीटा। तो हमने क्या सीखा? थीटा के अलोंग जो रहेगा वो टी कॉस थीटा, और थीटा के साइड में रहेगा वो टी इंटू साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं आगे का डेरिवेशन। हम पहले क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट साथ में कंपेयर करेंगे और बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कंपेयर करेंगे। तो वर्टिकल में कौन सा है? टी कॉस थीटा और एम जी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने वाले कंपोनेंट इज इक्वल टू नीचे आने वाले कंपोनेंट्स। तो ऊपर जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है? टी कॉस थीटा। सो देयर फोर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू नीचे आने वाला कंपोनेंट, तो वो कौन सा है? एम जी। यह हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन। देन हमें क्या कंपेयर करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हमें हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वो है टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। सो देयर फोर टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या रहेगा? उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। सो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन टू ये ऊपर आएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू टी साइन थीटा क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और उसके अपॉन में टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा क्या है? एम जी। तो ये एम एम कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, और राइट हैंड साइड में टी टी कट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा। सो देयर फोर हमें क्या मिला? साइन अपॉन कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इसका यूज करके हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हमें क्या मिला? एंगल ऑफ पेंडुलम। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ डेड बॉब, या फिर यहाँ पे जो मास रहता है उसका वेलोसिटी क्या रहता है। सो देयर फोर इसी फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आर जी लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। सो देयर फोर वेलोसिटी क्या बनेगा? अंडर रूट आर जी टैन थीटा। इस फॉर्मूला का यूज करके हम
वो पार्टिकल का या फिर उस मास का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम कैसे फाइंड करते हैं। सो अभी हमें फाइंड करना है पीरियोडिक टाइम। तो हम टाइम के लिए एक वेरिएबल लेते हैं टी, बट हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन के लिए टी यूज किया, इसलिए हम टाइम के लिए यूज करते हैं T1। तो हमने बचपन से टाइम के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे ये मास कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा है वो, तो सर्कल का ये पेरीमीटर कंप्लीट कर रहा है। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, 2π × r, इतना डिस्टेंस वो मास एक रिवॉल्यूशन में कवर कर रहा है। अपॉन में क्या आएगा, उसके लिए उसने कितना वेलोसिटी यूज किया, तो वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ पे, वी। तो ऑलरेडी हमने देखा कि वी का फॉर्मूला क्या आता है, तो ये क्या बनेगा, 2π r अपॉन वी का वैल्यू था अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 2π को सेपरेट लिखते हैं और ये जो स्क्वायर रूट साइन है उसे हम बड़ा करते हैं और आर को अंदर लेंगे। अगर ये आर स्क्वायर रूट के अंदर गया तो आर स्क्वायर बनेगा अपॉन में आर जी टेन थीटा। तो ये वाला आर और ये आर स्क्वायर में का एक आर कट हो गया, तो क्या बचेगा, 2π अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। अभी हम ये डायग्राम से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है, इतना पार्ट, थीटा का अपोजिट इतना पार्ट, तो वो क्या है, रेडियस, और अपॉन में हाइपोटेनस इज दिस लेंथ जो आ गया एल। सो हमें साइन थीटा मिला आर अपॉन एल, सो देयर फोर आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा। तो ये आर का वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर के बदले आएगा एल साइन थीटा अपॉन में है जी इंटू टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। तो अपॉन वाले पार्ट के और भी अपॉन में जो आता है वो यहाँ पे इंटू में चला जाएगा, सो देयर फोर ये साइन थीटा कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2π अंडर रूट अपॉन जी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं एक रिवॉल्यूशन के लिए, और ये थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल रहेगा, देन हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, क्योंकि जब भी ये थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाएगा तो कॉस थीटा का आंसर इक्वल टू 1 आएगा, तो एल इंटू 1 इज एल। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा तब 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हमें क्या याद रखना है, अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा या फिर बहुत ही निग्लिजिबल रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो हमें सम क्या दिया है, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज वर्ल्ड हॉरिजॉन्टली अटैच टू 1 m स्ट्रिंग विथ एन एंगल ऑफ 30° विथ वर्टिकल, सो फाइंड पीरियड एंड फाइंड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमारे गिवन क्वांटिटीज क्या है, यहाँ पे हमें मास दिया है 1 kg, सो एम का वैल्यू 1 kg। देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया है, 1 m, और हमें यहाँ पे दिया है एंगल 30° विथ वर्टिकल, सो थीटा कितना बनेगा हमारा, 30°। हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या था हमारा फॉर्मूला, 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। हमने देखा था कि अगर थीटा दिया रहेगा तो हम कॉस थीटा लेंगे, और थीटा निग्लिजिबल रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा तो हम 2π अंडर रूट एल अपॉन जी लिखेंगे, कॉस थीटा नहीं लिखेंगे।
तो यहाँ पे अभी हमें सिर्फ गिवन क्वांटिटीज पुट करना है, 2 पाई अंडर रूट एल का वैल्यू है 1 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री और अपॉन में जी, जी का वैल्यू क्या लेंगे हम 9.81। ये आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में आपको जी का वैल्यू लेना है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है उसका वैल्यू लेना है 9.81, विच इज इक्वल टू, अभी ये सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा 1.868। देन बाद में हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रिपिटल फोर्स। सो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। बट यहां पे अभी हमें वेलोसिटी का आंसर दिया है क्या, नहीं दिया है, और रेडियस मेंशन किया है वो भी नहीं किया है, तो हम वी का फॉर्मूला यूज करके हम ये फॉर्मूला को कन्वर्ट करेंगे, एम इंटू वी स्क्वेयर। वी का वैल्यू क्या था, अंडर रूट आर जी टाइन थीटा, तो स्क्वेयर करने के बाद स्क्वेयर रूट साइन निकल जाएगा, तो एम इंटू आर जी टाइन थीटा और अपॉन में आर, तो ये आर आर कट हो गया, सो हमें मिल गया एफ इज इक्वल टू एम जी टाइन थीटा। तो क्या था वैल्यू, एम का वैल्यू है 1 इंटू जी का वैल्यू हमने अभी देखा 9.81 इंटू टेन ऑफ 30 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5.658। तो ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट आएगा हमेशा न्यूटन, और यहाँ पे टाइम पीरियड था तो उसका यूनिट आएगा सेकेंड्स। तो दोस्तों ये यूनिट जो है सेकेंड्स न्यूटन, वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं भूलना है, अगर आपने गलती से भी इसे नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जरा ज्यादा फोकस करो। तो हमने आज इस टॉपिक में क्या क्या देखा, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ पेंडुलम, इसका डेरिवेशन देखा, और उसके ऊपर हमने एक सम सॉल्व किया। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।